नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ अमरूद की चटपटी चटनी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अमरूद काफ़ी हेल्दी फल है और इसको हमें खाना ही चाहिए। ठंड के मौसम में बहुत बढ़िया अमरूद आते हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है। जिनको कब्ज की शिकायत हो उनको ये फल किसी भी रूप में खाना ही चाहिए। तो आज मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। अगर आप इसकी चटनी बनाते हो तो बच्चे भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन चटनी बनेगी तो बच्चे इसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके भी खा सकते हैं। कोई भी इसे आराम से रोटी पराठे के साथ में खा सकते है। तो ये देखिए, अमरूद की चटनी बनाने के लिए मैंने एक अमरूद लिया है, एक नींबू लिया हुआ, दो हरी मिर्च लिए। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, और बच्चों के लिए खास बना रहे हो तो मिर्च ना डालें। और काफी सारा हरा धनिया लिया है मैंने, और इसकी जो नरम डंडी है वो मैं सब कुछ डालूंगी। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ता है चटनी का। और एक चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा लिया हुआ है, जीरे को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, उसके बाद में मैंने दरदरा कूट लिया है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक लिया और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है। तो ये देखिए, चटनी पीसने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा वाला मिक्सर जार ले लिया है। तो अब अमरूद का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा कट कर लेंगे, और इस तरह से छिलके छिलने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कहीं पे खराब है तो आप वो हिस्सा निकाल सकते हो। ये देखिए, और जैसे इसके बीज ज़्यादा मोटे हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप थोड़े बीज निकाल भी सकते हो। वैसे काफ़ी फायदेमंद होता है इसको बीज के साथ ही खाना। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे ताकि चटनी हमारी आराम से पिस जाए। ये देखिए, तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी। रुकना जरा, फिर उसमें टाइम जाता। तो ये देखिए, अमरूद मैंने डाल दिया मिक्सर जार में। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और पाचक भी हो जाता है जीरा डालने से। ये देखिए, काला नमक, ये भी पचने में अच्छा मदद करता है, और ये सेंधा नमक। तो आप दोनों नमक डाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा डालें। और मिर्च को मैं ऐसे तोड़ के डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसमें धनिया डालूंगी। और दो बैच में हमें पीसना पड़ेगा, अभी धनिया भी है थोड़ा सा और अमरूद भी। ठीक है, हरा धनिया मैंने डाल दिया है मिक्सर जार में। और अब मैं नींबू का रस निचोड़ूंगी। नींबू के रस से चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है और टेस्ट तो बढ़िया आता ही है। साथ में अगर आप अमरूद की चटनी में नींबू डाल करके खाते हो तो ये पाचक भी हो जाता है। जो भी चीज़ें हमने यूज़ करी है उसके फायदे भी काफ़ी हैं। ये देखिए, नींबू का रस डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और चटनी बढ़िया हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, अमरूद की चटपटी चटनी पिस के तैयार है। और आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया हमारी ये चटनी पीसी है और मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। आप देख सकते हो, इस चटनी को आप आराम से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। ये देखिए, तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, अमरूद की चटपटी चटनी पिस के तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा अमरूद की चटनी बनाना कितना आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे रोटी पराठे के साथ में खा सकते हो, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके खा सकते हो। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी बनाएं तो बताना ना भूलें कि अमरूद की ग्रीन चटनी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।